ठंड इतनी हो रही बहुत ज़्यादा। पर लेकिन यार अब तुम्हारा भाई जाने वाला है दिवाली पे घूमने घर, मौज लूँगा तगड़ी। तेरे को हंसी आती कपिल शर्मा की बात पर? मुझे नहीं आती। अंदर से फीलिंग होती है ना उस बात की। फीलिंग क्या होती है साला, मैं ठरकी लगता है कपिल शर्मा। ठरकी है वो। और बीड़ी पी तो ना। बीड़ी नहीं पीता यार मैं, देखा तो। बीड़ी नहीं पीते मजाक कर रहे हो यार। भाई मेरे हर व्लॉग में खांसी आ रही है क्योंकि मैं बीमार बहुत हूँ यार। क्या करें यार, तुम्हारा भाई यहाँ अकेले रहता है, शादी शुदी हुई नहीं अभी मेरी, अभी इतनी उम्र भी नहीं यार, 22 साल का हूँ यार। मैं भी तो 22 साल का ही हूँ। तू तो अधेड़ लगता बुड्ढा। अधेड़ बुड्ढा। हाल बुरे यार, फेस रिलेटेड सब आज मेरा, मुझे कोई नहीं। अभी बिग बॉस देख रहा था हमारा भाई, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। मतलब अनुराग डोभाल जो है ना, मुझे सही नहीं, मतलब लगा तो बढ़िया यार, क्योंकि हम तो सही वोट करेंगे जैसे, मतलब कभी भी ऐसा होगा ना, बट मज़ा नहीं आया यार। मैंने बस एक ही बार वो देखा था, क्या कहते हैं बिग बॉस, जब सही सही बंदे थे पिछले वाले सीजन, OTT2। अब भाटी जी भी बिग बॉस जा रहे हैं। भाटी जी बिग बॉस जा रहे ना, बिग बॉस में जा रहे हैं। तो सलमान खान ने बुलाया, झूठ बोल रहा है। सलमान खान यहाँ पर चाय पीता था पहले, बैठ के खुद ही बना के लाता था। सलमान भाई इसके बहुत अच्छे जानकार थे, सीधी संपर्क, सीधे बड़े लोग हैं, बड़े लोग, कॉन्टेक्ट हाई लेवल। क्या हाल है गाइस, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरे भाई? कल यार ब्लॉग अपलोड करने में टाइम लग गया क्योंकि मैं कल थोड़ी तबीयत सी मेरी ऐसी हो रही थी, कल ब्लॉग नहीं आ पाया यार, उसके लिए सॉरी। बाकी तुम्हारा भाई आज ब्लॉग बनाएगा यार, थोड़ी सी धूप है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही धूप है। क्या हाल है जी? सुरेश भैया देखो रिएक्शन, देखो सुरेश भैया के, हंस कर दिखाओ, हंस के दिखाओ, व्लॉग बना रहा हूँ तुम्हारा। ये सुरेश भाई हैं अपने, ये देखो यार काम चल रहा है। सही सही सही, धूप बहुत है यार आज। ओबे यार मेरा तो हाल बुरा कर रखा है इस धूप ने। कभी जब पहले सोचते थे ना कि यार पहले रोज डेली डेली बारिश यहाँ पे मसूरी के अंदर, धूप नहीं निकलती थी, अब धूप आने लगी तो साली बारिश नहीं आती। क्या कर सकते हैं, कुछ होना चाहिए था यार एडजस्टमेंट के लिए ना, कि मतलब जो अपना मन करे वो हो जाए, वो चीज़ हो जाए, तो जब भी उसमें मज़ा आता, पर ऐसा हो नहीं सकता। सॉरी। तो तुमने हर व्लॉग में देखा होगा तुम्हारा भाई सुड़ 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 करता था, वो थोड़ा है ना यार जुकाम है और वो भी कंटिन्यू चल रहा है इस टाइम। दवाई भी ली मैंने डॉक्टर के पास जाके ना, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं बैठा। अब तो बस एक ही चीज़ है कि भाई अब तो मन में सोच लूँ कि जुकाम ठीक हो गया और उसके भरोसे चलता रहूँ। सही बोला ना भाई, मेरे व्लॉग्स जो है ना 18+ वाले बच्चे ही देखें। कोई और ना देखें क्योंकि मैं बिगाड़ दूंगा बच्चों को। मैं मसूरी में बहुत बालक बिगाड़ चुका हूँ यार मेरे साथ के जो है। आज तो यार पानी वगैरह भी नहीं आ रहा यार, मैं नहाऊंगा कैसे मैं? वैसे तुम्हारा भाई नहाने से परहेज करता है बहुत। और अब नहाने के लिए सोची तो साला सोचते ही रह गया मैं। और चाचा क्या? हाँ जी चाचा, क्या हाल चाल? हंस के दिखाओ एक बार, हंस के ये लाफिंग। तो भाई अपने चाचा हैं, बच्चे कहाँ गए? कौन बच्चे कहाँ गए? काम गए, काम पे गए सारे, काम पे वो सब होटल है, सब होटल गए हैं। मैं ही हूँ बस, मिड नाइट थी ना, है बहुत कम हो गया। कौन? साथी। साथी तो कम ही हो गए, कितने? 6-7। 4-5 सारे रह रहे हैं, मैं हूँ और मेरे साथ एक दो बंदे हो रहे हैं बस। तभी सफाई हो रही है, जब भी तो अब हम लोग सफाई ढंग से करते हैं ना, रगड़ देते हैं। वही है, अब क्या कर सकते हैं। देख रहे होगा इस कंप्लेंट कितनी आ रही है तुम्हारे भाई की, क्योंकि पता है क्या, मैं सफाई वफाई करता नहीं। चाचा ही बढ़िया आदमी यार अपने, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे को पता है क्या, मैं जैसे मतलब व्लॉग बना रहा हूँ तो अर्जुन भाई मेरे को बोल लेते हैं, क्या कहते हैं, मतलब अर्जुन भाई का सजेशन है मेरे लिए कि मैं व्लॉग्स में ज़्यादा हाई टेंशन बकचोदी, हाई टेंशन कहते ना, मतलब हाई टेंशन लाइंस होती है ना, तो इतनी लेवल की बकचोदी ना करूँ क्योंकि वो जम नहीं रही है, वो ये बोल रहे हैं। लेकिन यार जो तुम्हारा भाई रियल है यार,
क्या कर सकते हो, प्रेजेंट तो वही करूँगा ना। लेकिन कोई नहीं यार, एक बड़ा जब बोलता है ना तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ चीज़ समझ के सोच के बोलता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है उनकी ना। तो बिल्कुल ठीक बोला यार, क्योंकि बकचोदी मैं कुछ ओवर करता हूँ तो वो भी है। बाकी तो यार ठंड हो रही है, धूप भी लग रही है, ठंडा गर्म हो जा रहा है। तुम्हारा भाई को जुकाम लगे जा रहा है, नाक ऐसी भर चुकी है ना, नाक के अंदर इतना घी भर गया नाक के अंदर इतना घी भर गया ना कि मतलब बस क्या बताऊँ। तो तुम्हारा भाई यार ऊपर वाली फ्लोर पे आ गया है, जो तुम्हें आ गया कोई बात नहीं यार, अपने को तो बस थोड़ा सा पहाड़ दिख गया ना, अपने लिए बहुत है व्यू। बाकी यार दिखा दो व्यू, दिखा दो यार, वरना तुम यूँ कहोगे कि भाई अकेले अकेले व्यू के मजे ले रहा और कोई मेरे को व्यू दिखा नहीं रहा है। कसम से यार जो मैं दिखाता हूँ, ये देखो व्यू भाई है नहीं, कैड़ा तो नहीं कह सकते यार, छोटा थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब यार देखो जिन क्या कह सकता हूँ, बस सबसे नीचे वाला फ्लैट भाई उधर हम लोग रहते हैं, सबसे ऊपर वाले फ्लैट में वही तो भी खैर बन रहा है, अभी बना नहीं है यार ये ना। यहाँ तुम्हारा भाई सिर्फ चिल करने आता है थोड़ा बहुत, हालांकि मैं कोई उल्टे काम नहीं करता, दारू शारू सिगरेट विगरेट मैं ये नहीं पीता यार, पर लेकिन ये है कि कोल्ड ड्रिंक करना चाह रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता खैर क्या कह सकते हैं। बाकी यार यहाँ हवा लग रही है, पर धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो हम चलते हैं यार धूप के तरफ, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर बीमार जाऊँगा फिर ना। हर ब्लॉग में सुड़ 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 सुड़, अच्छा मेरे को भी नहीं लगता यार हर ब्लॉग में सुड़ 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 करता था, लेकिन यार गाइस सॉरी फॉर दैट, कि मतलब ये यार ये पर मजबूरी है मेरी भी समझो तो वो चीज़ है। तो गाइस ये वाला ब्लॉग में थोड़ा अभी जल्दी अपलोड होगा, मतलब अभी बस तुम जल्दी इसको इन्जॉय करोगे, क्योंकि जरा कल मैंने डाला इन था तो आज जरा मैं रिसेंट में डालूंगा, एकदम जल्दी भी डालूंगा बिल्कुल एकदम, तो टेंशन वाली बात नहीं। इन्जॉय करो, कीप सपोर्ट, कीप लाइक सब्सक्राइब, और जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारा भाई तो यार तुम लोगों के प्यार की वजह से बनाता है कि यार चलो यार तुम्हें, मतलब होता है ना कि यार मेरे से एक बंदे ने बोली थी एक बार, बिल्कुल एक ख़ास बात मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बंदे ने बोला था कि हैरी भाई के आशीष भाई बोलते हैं, मेरे को आशीष बोलते हैं, हैरी तो खैर यार नेम है यार, वो मेरठ में था जब था, तो मेरे से भाई ने बोला कि क्या कहते हैं आशीष भाई यार जब तुम आते हो ना यार होटल में तो मतलब खुशी सी होती है यार, मतलब अपने घर का स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं यार भाई, मैं देखो मैं तो शायद क्या पता मेरे ब्लॉग्स की वजह से मतलब सबको खुशी मिले अच्छा लगे तो इसलिए बनाता हूँ, और कोई बात नहीं है। बाकी तो खैर मेरे को भी मज़ा आता है कि मतलब मैं कनेक्ट हूँ अपने सबसे, अपने परिवार से, अपने मेरठ के परिवार से, तो भाई वो कनेक्ट ही रहूँगा मैं हमेशा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मसूरी आ गया तो सबको भूल जाऊँगा, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी ये भी यार अपनी देव भूमि है, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है यार, दिल से रिस्पेक्ट है, तो आओ घूमो फिरो मजे लो यहाँ पे, इन्जॉय करो, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। और अपने भाई को याद करो, नंबर तो सभी दोस्तों पर है मेरे, सभी भाइयों पर है, तो लव यू यार, जाता हूँ मैं, होटल जाता हूँ, ठीक है, बाय।